हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सरोद संग्रहालय ग्वालियर की बात कर रहे हैं। जी हां, जैसे सरोद घर भी कहा जाता है। सरोद आमतौर पर उत्तर भारत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है। इसे एकल प्रस्तुति या नृत्य के संगीत में भी प्रयोग किया जाता है। गुलाम अली खान बंगश ने 4 सदी पहले सरोद वादन को नया स्वरूप दिया। सरोद संग्रहालय में सरोद वाद के क्रमिक विकास को दर्शाया गया है। सरोद वाद संगीत के प्रचार प्रसार में बंगश परिवार के योगदान को भी दर्शाया गया है। बंगश परिवार के वर्तमान पीढ़ी के उस्ताद अमजद खान साहब हैं। सरोद घर इसी परिवार की धरोहर है। भारतीयों के लिए ये घर 4 सदियों से शास्त्रीय संगीत से पवित्र घर है, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं है उनके लिए भी यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। जहां मध्यकालीन में इटालवी लोगों ने रेबेक नामक वाद्य यंत्र को वायलिन से ईजाद किया था, लेकिन वायलिन को बहुत ही भिन्न लोगों ने स्वरूप दिया, जबकि सरोद के विकास का श्रेय एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों को जाता है। जी हाँ, सरोद घर ग्वालियर में स्थित है और सरोद घर बहुत खूबसूरत जगह है। जी हाँ, ये है ग्वालियर का सरोद घर जहाँ हम आज आपको लेकर चल रहे हैं। आपको यहाँ पर बहुत पुराने पुराने सरोद रखे हुए दिखाई देंगे, तबले दिखाई देंगे, पुराने पिक्चर्स दिखाई देंगी और इतनी खूबसूरत और इतनी साफ सुथरी ये जगह है। अभी संगीतकारों के गायकों के चित्र आप देख सकते हैं। ये बहुत पुराने पुराने महान गायकों और संगीतकारों के पिक्चर्स यहाँ पर हैं, पुराने पुराने सरोद यहाँ पर हैं। अगर आप ग्वालियर जा रहे हैं तो एक बार सरोद घर ज़रूर होकर आएँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के तमाम वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट देकर बताएं कि कैसा लगा आपको ग्वालियर का सरोद घर।